खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जहां पीपलपुर थाने की पुलिस और एसओजी टीम को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि महिला से लूट करने वाले अंतर जनपदीय शातिर लुटेरे अजय गुप्ता को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। लूटी गई सोने की चैन और अवैध तमंचे के साथ पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लुटेरे अजय गुप्ता पर प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी जिले के विभिन्न थानों में 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमेठी लल्लन सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए लुटेरे अजय गुप्ता को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि साथ ही लूट कांड का शीघ्र खुलासा करने वाली टीमों को पुलिस अधीक्षक की ओर से ₹10,000 नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। थाना पीपरपुर स्थान दुर्गापुर चौराहे के पास से ई रिक्शा से जा रही महिला से एक चैन लूट की घटना हुई थी, जिसमें एसएचओ धीरेंद्र कुमार और एसओजी टीम के माध्यम से प्रयास करके आज 15/11/22 को अजय गुप्ता पुत्र अयोध्या प्रसाद गुप्ता कजियापुर मजरे संसारीपुर थाना सियोगढ़ जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी में तलाशी से उससे 12 ग्राम की छीनी गई चैन और काली पल्सर जिसमें लूट में प्रयोग किया था ये बरामद हुई, और 12 ग्राम सोने की चैन जो महिला से छीनी गई थी वो लगभग ₹65,000 की बरामद हुई। बरामदगी के बाद विधिक कार्रवाई कर अपराधी के हाथ, जिसके ऊपर प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी, रायबरेली में लगभग 16 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शीघ्र खोलने के लिए जो टीम ने काम किया है, ₹10,000 का इनाम घोषित किया था जो इनको दिया।